नया नया X5 5G आ चुका है। ये वाला पोको का सबसे नया मिड रेंज स्मार्टफोन है। यूजुअली पोको के फोन्स बजट में काफी वैल्यू के साथ आते हैं भाई, कुछ गेमिंग सेंटर भी होते हैं। ये 15 से 20 हजार वाला प्राइस बैग है, इसमें भर के फोन आ रखे हैं भाई, अच्छा खासा कॉम्पिटिशन है। और पोको का नया महारथी आ गया जंग में उतरने के लिए, हम चेक करते हैं असली वॉरियर। लेट्स गो। बॉक्स यूजुअली जैसा पोको होता है भाई, पूरा ब्लैक और यहाँ पे येलो कलर में रखा है। रियलिटी फ्लो लिख रहा हूँ, 120 हर्ट्ज़। वाओ, इंडियाज़ क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड, बढ़िया भाई। आज हमने कॉन्ट्रास्ट पहना है, येलो के साथ ब्लू पहना है, पीछे तो मैचिंग है। एक सेम इजेक्टर, ये फोन से अब शादी करूँ ऐसे डाल लूंगा। ये पुस्तक सही है, खुलते ही खत्म हो गया अपना, पढ़ाई वढ़ाई साइड में। कवर तो स्टैंडर्ड सही है, काफी लचीला सा है। ये हमारा स्मार्टफोन, ये है 33 वॉट का चार्जर। जो पोको X4 सीरीज थी उसका नेक्स्ट वाला वर्जन बोल सकते हो। X4 प्रो में 67 वॉट आता था, मैं थोड़ा सा कम हो गया, बट एक बार चेक करते हैं। USB टाइप सी केबल, ये भी सही लग रही है। और फाइनली भाई, ये है हमारा स्मार्टफोन, ये है पोको का नया X5। ये वाला हरियाली कलर काफी अलग सा लग रहा है, सुपर नोवा ग्रीन है भाई, नाम तो अलग सा लग रहा है। अगर मैं इसे दिखाऊं तो भाई ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐसे अलग अलग लग, बट एक्चुअली जो मटेरियल जो नीचे लगा हुआ ऊपर लगा हुआ ऑलमोस्ट सेम फील होता है। साइड में हल्का सा से कर्व पे आ रहा है और बैक साइड में सॉफ्ट सी थोड़ा सा मैट फिनिश, मतलब पॉलीकार्बोनेट टाइप मटेरियल है, बट एक्चुअली हाथ में पकड़ने में सही लग रहा है। वैसे है तो पूरा ही भाई मैट फिनिश में, बट हल्के से फिंगरप्रिंट आ जाते हैं। कैमरे का भी जो पूरा एरिया, 1, 2, 3 कैमरे का सेटअप है और यहाँ पे फ्लैश को 2 में डिवाइड करना। कैमरे वाला ये वाला पार्ट थोड़ा उठा। ये पोको ने अपने ऐसा ट्रेडमार्क डिजाइन टाइप बना लिया, मेरे को थोड़ा सा ना अमंगस वाले कैरेक्टर की मेरे को थोड़ी थोड़ी याद दिलाता है, बट एक्चुअली पुराने वाले से काफी सिमिलर डिजाइन है। एक पावर बटन है जिसपे फिंगरप्रिंट स्कैनर, ऊपर वॉल्यूम बटन है, पूरा पॉलीकार्बोनेट फ्रेम है ऊपर की साइड पे। ओ भाई, ये हेडफोन जैक दे रखा है और यहाँ पे इंफ्रारेड सेंसर। आसपास के जो अंकल रहते हैं उनका टीवी ऑन ऑफ करना भाई। वो नीचे की साइड पे USB टाइप सी है, यहाँ पे स्पीकर दे रखा है। लेफ्ट साइड में सिम, 2 सिम लग जाती है, और अगर आपको एक सिम की जगह माइक्रो एसडी कार्ड लगाना तो वो भी लगा सकते। 1 TB तक मेमोरी कार्ड लग जाएगा ऑलमोस्ट फोन के प्राइस का। सिम इजेक्टर में ग्रे कलर का बैंड है, इसका मतलब IP53 रेटिंग। थोड़े बहुत ऐसे छपाके वपाके आए थे पानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। इस वाले स्मार्टफोन के अंदर एक 6.7 इंच का AMOLED 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले। इस प्राइस पॉइंट पे आप देखो भाई, LCD 120 हर्ट्ज आते हैं, AMOLED 90 हर्ट्ज आते हैं। AMOLED 120 हर्ट्ज भाई डेफिनेटली काफी कम स्मार्टफोन में मिलता है। इसमें नोटिस करो पंच होल भी छोटा सा, और यहाँ पे ना ऐसे फ्रेम रेट लगाने के लिए हमने 120 लिखा है। देखो सारे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कर रहा है भाई, मस्त 120 दिख रहा है। 60 में भी चेंज कर सकते हो, बट बिल्कुल मैं आगे डिस्प्ले डेफिनेटली काफी स्मूथ तो फील हो रहा है भाई, ऊपर नीचे आगे पीछे। YouTube की ऐप चलाई तो भाई इसमें 60 FPS आने लगा। एक चीज और मेरे को सही लगी, इसमें 1200 निट्स की ब्राइटनेस है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से भाई अच्छी खासी ब्राइटनेस है, और भाई वो फील होता है। एक चीज भूल गया, सही लग रहा है, गुरिल्ला ग्लास 3 जी देख सकते हो। बेजल साइज भी काफी कम है, और ओवरऑल डिस्प्ले में ना कलर्स कॉन्ट्रास्ट सारी चीजें अच्छी लग रही, प्यारी लग रही। गेम खेलेंगे और अच्छा पता चलेगा। मैंने वैसे वीडियो तो 4K चलाई, बट इसमें ना रेजोल्यूशन का 4K वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा, 1080p मैक्स आ रहा है। वैसे इसमें वाइन वाइन 11 तो है, आना चाहिए, बट एकदम सीधा सीधा बताऊं इस प्राइस पॉइंट में डिस्प्ले में मजा है भाई। आज हमको ना ये बजाना पड़ेगा ना। ओहो, कॉपीराइट आ जाए, इससे पहले बंद करना पड़ेगा, बट ऑस्कर कॉन्ग्रेट मजा आ गया। नीचे एक नीचे स्पीकर है, ऊपर स्पीकर नहीं है, सिंगल स्पीकर है, आवाज डिसेंट लाउड लगी मेरे को। इस प्राइस पॉइंट पे इस टाइप की आती है। अगर भाई कैमरा परफॉर्मेंस अपना तगड़ा, फिर तो अपना मामला सेट है। वो का अपना सॉफ्टवेयर रहता है भाई, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे खोल के। इसमें MIUI 13 देखने के लिए मिलता है, वैसे 14 रिलीज हो गया। MIUI 13 एंड्रॉइड 12 पे भेज रहे हो तो ऐसे करोगे आप। कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स आपको मिल जाती है, दिल्ली प्राइम वीडियो और मौज वोज अपना कर लो आप, बट इन सबको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, तो दिल्ली को बाय बाय कर देते हैं। बट एक चीज अच्छी है भाई, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रही थी एक्स्ट्रा, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। पोको ने इस वाले स्मार्टफोन के अंदर 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट प्रॉमिस करा है और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट। तो भाई MIUI 14 और जितने भी आगे वाले अपडेट्स हैं वो जल्दी आ जाने चाहिए, अभी तो नहीं। और भाई सारी चीजें साइड में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस अपना। ये सारे स्मार्टफोन के अंदर Snapdragon 695 प्रोसेसर है। Snapdragon 695 एक काफी कॉम्पिटेटिव प्रोसेसर है। इस प्राइस पॉइंट पे भाई इसी टाइप की परफॉर्मेंस आपको देखने के मिलती है। हमें तब यूज करा भाई, कहीं पे भी लैग या डिले फील नहीं हुआ, और इसलिए भी क्योंकि इसमें रैम भी सही है भाई। 6 GB रैम वाला ऑप्शन आता है, 8 GB वाला हमने आ रहा, 8 GB वाला, और 3 GB आप एक्सटेंड कर सकते हो। इस प्राइस पॉइंट पे Snapdragon यही बेस्ट प्रोसेसर आता है। MediaTek वाला भी आता है Dimensity 930, वो इससे आपको हल्की सी ऊपर परफॉर्मेंस देगा, बट काफी लोगों की प्रेफरेंस होती है भाई Snapdragon, कुछ लोगों की भाई MediaTek होती है। गेम खेल के देंगे, हमको गेम बढ़िया चल रहा है तो बाकी सारी चीजें सॉर्टेड। मैक्स पे अल्ट्रा सेटिंग अवेलेबल है, मैक्स पे लाइट, अल्ट्रा पे अल्ट्रा सेटिंग आप खेल सकते हो। दो
दो फिंगर से ना मैं हल्का सा स्लाइड डिफरेंट हो रहा है ये फोन, बड़े में मार तो दिया मैंने। इसमें एक तीन कैमरे का सेटअप है, एक 48 मेगापिक्सल प्राइमरी है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है और उसके साथ साथ एक 2 मेगापिक्सल हम ना करो पोको X4 प्रो में 108 मेगापिक्सल लगाता है। सारी चीजें बड़े भाई फोटो वोटो खींच के देखते हैं तो अच्छे से पता चलेगा। भाई सबसे पहले हम अपने दोस्तों की फोटो खींचते हैं, देखो अलग अलग रंग बिरंग दो, एक वाइड में खींचते हैं एक 1x में, मैक्रो से भी खींचते हैं। ये वाली हमने प्राइमरी से ली है, इसमें भाई डिटेल डिटेल सही आ रही है। वाइड में ऑफकोर्स भाई प्राइमरी वाले से थोड़ी डिटेल कम है, 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, बट ओवरऑल कलर सलर सही लग रहे हैं। और यहाँ पे भी हमारे दोस्त वोस्त बैठे, इनकी स्किन टोन हल्की सी रेडिश लग रही है बट ओवरऑल फोटो की फील देखोगे तो फोटो की फील काफी अच्छी लगी। पोर्ट्रेट मोड में खींची तो भाई मतलब एज डिटेक्शन डिसेंट लगा मेरे को, और 48 मेगापिक्सल वाला मोड ऐसे खींची थी बाहर, एक्चुअली अच्छी लाइट में डिटेल अच्छी आती है। ब्लू लाइट में फोटो खींचोगे हल्का सा ग्रेन आया था। इसमें अगर वीडियो बना के देखें 1080p 30fps तक लिमिट है, मेरे हिसाब से 1080p भाई 60fps होता तो स्मूथ वीडियो आती। ये वाली 1080p 30fps है, 60fps होती तो थोड़ी और स्मूथ फुटेज आती, बट ओवरऑल वीडियो की क्वालिटी में कलर्स वगैरह सही आ रहे हैं। बाकी मोड्स वोड भाई जो आपको देखने में मिलते हैं भाई यूजुअल नॉर्मल पोको के फोन्स में रहते हैं, और HDR ऑन करके भी आप नाइट मोड की फोटो खींच लेते हैं भाई, एकदम ही अंधेरे में खींचते हैं भाई। भाई सेल्फी भी लेके देख, भाई सेल्फी अच्छी आ रही है भाई, डिटेल भी अच्छी है और कलर्स और स्किन टोन भी अच्छा आ रहे हैं। ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट पे इमेजेस आती है कैमरा से उससे काफी कंपेरेबल मेरे को। ओवरऑल अगर सीधा से बताऊं तो इस प्राइस पॉइंट पे ना मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है प्रोसेसर का, कैमरे का और सारी चीजों का, और एक चीज तगड़ा करना है तो कहीं ना कहीं भाई किसी चीज को नीचे करना पड़ता है। सेम इसमें भी जैसे परफॉर्मेंस में और डिस्प्ले में अगर फोकस कराए तो भाई कैमरा और चार्जिंग में हल्का सा आपको एक स्टेप डाउन मिलता है, बट ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट पे एक अच्छा पैकेज आपको देखने में मिल जाता है। इस वाले स्मार्टफोन का 6GB 128GB वाला वेरियंट आपको मिलेगा 19,000 रुपए के अराउंड का, और बैंक ऑफर लगाओगे ICICI का तो 2,000 रुपए ऑफ 17,000 रुपए का आपको मिल जाएगा। और इसका जो 8GB 256GB वाला वेरिएंट है उस पे भी सेम ऑफर है, एक्चुअल प्राइस 21,999 रुपए और फाइनल प्राइस आता है 19,000 रुपए। और ओवरऑल डेली यूज के लेना तो भाई डेफिनेटली ये अच्छा ऑप्शन होगा।